सबका बहुत खुशामदीद करती हूँ, स्वागत करती हूँ, अंग्रेजी में बोले तो वेलकम करती हूँ। और बेसिकली आज की ये जो खूबसूरत शाम है, इसमें इतने खूबसूरत चेहरे हैं कि अगर मैं तारीफ करने बैठूँ तो शायद मेरे ख्याल से पूरी शाम उसी में निकल जाएगी। तो महफिल में आज मेरे ख्याल से मैं पहली दफा आई, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे साथ आज एक बहुत ही शानदार गेस्ट मौजूद है, और उनका तारुफ मैं बाकायदा आपके साथ करवाना चाहती हूँ। आपको अगर हम डॉक्टर डायनासोर कहें तो थोड़ा सा सब लोग सोचेंगे ये क्या है, लेकिन वाकई ये डॉक्टर डायनासोर है। डॉक्टर आलिया सुल्तानाबादी, ये अगर देखा जाए तो ये एक रॉयल फैमिली से आती है, और डॉक्टर डायनासोर के नाम से ये वर्ल्ड फेम पर्सनालिटी है। गुजरात कल्चरल कस्टोडियन ऑफ प्री हिस्टोरिक हैबिटेट के रूप में भी इनको जाना गया। फेमिना द एशियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने आपके प्रयासों को सराहते हुए आपको सम्मानित भी किया। द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स यूनाइटेड किंगडम ने आपको प्राइड ऑफ इंडिया खिताब से नवाजा। इस पर जोरदार तालियां। लीडिंग लेडीज ऑफ द अर्थ साइंस इन इंडिया बाय विक्रम रॉड, एक बहुत बड़े राइटर हैं, उन्होंने अपनी किताब में इनको बाकायदा जगह दी। इनके ऊपर एक पूरा चैप्टर है, जो एक औरत के लिए मेरे ख्याल से इस ऊंचाई तक पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जिसके लिए मैं आलिया आपको बहुत मुबारकबाद भी देती हूँ। और सबसे बड़ी बात, इन सब चीजों को छोड़कर अगर मैं एक बात करूं कि आलिया ने वो काम किया है जो मेरे ख्याल से मिलियंस में कोई औरत कर पाती, जो इन्होंने काम किया है। इसके लिए हम सबको जाना पड़ेगा इनका काम देखने के लिए, लेकिन आज हम आलिया से उन्हीं की जबानी, उन्हीं की बातों को सुनने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं इनके लिए एक शेर जरूर पढ़ना चाहूंगी, क्यों किसी ने जब इनकी पर्सनालिटी को मैंने पढ़ा, इनके बारे में पढ़ा, इनको जाना, रक्षा ने मुझे इनके बारे में बताया, तो मुझे इनके लिए एक शेर समझ में आया। वो ये था कि परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो आलिया इतनी ही खामोश है, लेकिन मैं आज इनसे बुलवाने की पूरी कोशिश करूंगी। आलिया, सबसे पहले आपके हम बचपन की तरफ चलते हैं, आपके फैमिली बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं। आपके बारे में पहले मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी, मेरी जो दोस्त हैं वो लोग भी सब आपके बारे में जानना चाहेंगे। आप अपने बारे में शुरुआत करें। सबसे पहला तो आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया, इसके लिए मैं बहुत आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ। वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन, आदाब, नमस्कार। एंड मेरा वेगेंस ऑफ भोपाल से और रक्षांत से 2020 से एक रिश्ता है, बट अभी तक तो आई थिंक वर्चुअल ही था। फर्स्ट टाइम मैं आप लोगों से रूबरू मिल रही हूँ, एंड बिलीव मी इट्स रियली अ प्लेजर एंड अ ऑनर टू बी हियर। So, thank you so much from the bottom of my heart for having me here. मेरे जो फादर थे लेट नवाब साहब, बारा सिनौर एक नवाबी रियासत हुआ करती थी, ऑफकोर्स भोपाल से थोड़ा छोटा, लेकिन गुजरात में काफी सारे, जैसे कहा जाए तो 562 रॉयल्टीज हुआ करते थे ऑल ओवर इंडिया में। और गुजरात की खासियत ये थी कि हमारे यहाँ मराठास थे, काठी दरबार थे, मुस्लिम्स में शियाज भी थे और सुन्नीज भी थे, और अफ्रीकन डिसेंट के नवाब भी थे। तो गुजरात की ये खासियत थी, और बालासिनौर एक छोटा सा नवाबी स्टेट हुआ करता था। सो जो हमारा फैमिली नेम है इट्स कॉल्ड बाबी, एंड वी कम फ्रॉम अ स्मॉल, माय एंसेस्टर्स केम फ्रॉम अ स्मॉल लिटिल विलेज इन अफगानिस्तान कॉल्ड बाबी खेल। तो आई हैव एन अफगान डिसेंट, but of course they are more or less Indians now because it's been so many generations that I've been born in India now. हमारे दूसरे जो रिश्तेदार थे वो of course नवाब ऑफ जूनागढ़ and the नवाब ऑफ राधनपुर, and ये बाबी families थी। और मेरी मदर पालनपुर से belong करती हैं, which is in North Gujarat. So that was not बाबी, but they were Lohanis.
एंड आई केम फ्रॉम अ वेरी स्लाइटली ऑर्थोडॉक्स फैमिली अगर कहा जाए तो, जैसे दादी और मेरे फादर थे स्लाइटली ऑर्थोडॉक्स थे, लेकिन पढ़ने मुझे जरूर एक कॉन्वेंट में भेजा मेरी बहनों को और मुझे, विच वॉज रन बाय आयरिश नंस। इसीलिए उनका ये, स्पेशली मेरी मदर का ये मानना था कि लड़की हो तो क्या, लेकिन शी हैज टू बी वेल एजुकेटेड, ऐसे नहीं कि शादी कर दी और निपट गए। तो अम्मा का यही काफी, इनफैक्ट लड़ झगड़ के दादी से उन्होंने हम तीनों बहनों को एक बोर्डिंग स्कूल में डाला और हमको जो इनिशियल एजुकेशन मिला वो बहुत ही अच्छा था। और एक बहुत अच्छी बात ये है कि आई एम द फर्स्ट ग्रेजुएट इन माई फैमिली, मेरी दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी एट द राइट एज सो एज टू स्पीक, एंड दे ग्रेजुएटेड आफ्टर दे गॉट मैरिड, बट एंड आई वॉज ऑल्सो अ गोल्ड मेडलिस्ट। तो पढ़ने का काफी शौक था और फिर 96 में ये डायनासोर प्रिजर्वेशन में मैं इन्वॉल्व हो गई। ये कॉन्सेप्ट जो मैं जानना चाह रही थी कि ये दिमाग में आया कैसे, और जो आपने ये काम किया ना, ये एक अद्भुत खोज भी है, एक अद्भुत प्रयास भी कहा जा सकता है, इसको एक ग्रेट इनिशिएटिव भी कहा जा सकता है, और वही जगह क्यों जहां पर आपने इसे चुना? देखिए, बालासनौर एक बहुत छोटा सा गांव है, बालासनौर तो शायद कोई जानता भी नहीं था, और उससे छोटा गांव है रैयोली जो शायद वर्ल्ड मैप पे भी नहीं था, और वहां पे डायनासोर्स के अवशेष पाए गए थे, यानी जो उसके फॉसिल्स है और अंडे है। तो ये 1981 में मिले थे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जियोलॉजिस्ट को, लेकिन उस वक्त ये लोग निकाल के ले गए, किसी को कुछ पता ही नहीं था। मेरा जब इन्वॉल्वमेंट हुआ 1996 में, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, लेकिन आई फेल्ट कि आई एम गोइंग टू बी फाइटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, इट्स नॉट गोइंग टू बी एनी यूज। तो मेरी एक मीडिया फ्रेंड थी, शी यूज्ड टू बी अ जर्नलिस्ट विद इंडियन एक्सप्रेस, तो वो काफी मेरे पीछे पड़ी रही, क्या लिया तुमको कुछ करना चाहिए, तुम्हारे फादर के बहुत कॉन्टेक्ट है IAS IPS में, तुम्हारी तो दूर तक जान पहचान है तुम्हारे वालिद साहब की, तुम कुछ करो। ऐसे मैं क्या करूँ, मुझे कुछ धरने पे नहीं बैठना, लेकिन इट्स नॉट दैट, जस्ट यूज योर फैमिलीज कनेक्शन एंड द क्लाउड एंड गेट टू डू समथिंग फॉर दिस टाइनी लिटिल विलेज, यू नीड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम वैंडलिज्म एंड ऑल। तो मैंने कहा चलो ठीक है करते हैं। So easier said than done, because I was fighting against three departments, literally fighting: Gujarat Tourism, Geological Survey of India, and Forest. किसी को कुछ करना नहीं था और एक दूसरे को करने नहीं देना था। कुछ ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहती और थोड़ी देरी को ज्यादा लेकिन अब I would rather praise them because we've all come together on one single platform and 27 साल से ज्यादा हो चुके हैं मुझे इस फील्ड में, और अब जो है वो आपको रैयोली एक छोटा सा गांव है जैसे मैंने आपको बताया, वहां कोई जानता नहीं था पहचानता नहीं था, वहां पे इंडिया का एक लौता एक म्यूजियम हमने खड़ा कर दिया है, इट इज विद गुजरात टूरिज्म, शुक्रिया गुजरात टूरिज्म ने बनाया है, लेकिन वो मैंने और मेरी फैमिली ने लिटरली लड़ झगड़ के वहां पे वो म्यूजियम खड़ा किया, क्योंकि वो यही चाहते थे कि म्यूजियम कोई बड़े शहर में बने, चाहे बॉम्बे दिल्ली बैंगलोर हो, क्योंकि फुटफॉल ज्यादा होगा, रैयोली गांव में कौन आएगा, रोड नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, पैलेस से मुझे गांव में जाने में 1 घंटा लगता था उस वक्त। आपने होम स्टे भी शुरू किया है जी, तो जैसे मैं बताती हूँ तो आज की तारीख में मुझे 12 मिनट लगते हैं, जब 1 घंटा लगता था ऑन अ डॉट शॉट, बिकॉज वी क्रिएटेड अ गुड रोड, वी गॉट साइनेजेस डन, और 96 में ही जो हमारा मोर देन 125 ईयर ओल्ड पैलेस है उसको मेरे पेरेंट्स ने हेरिटेज होटल में कन्वर्ट किया। तो आज हमारे यहाँ जो ज्यादातर इंडिया से और बाहर से टूरिस्ट आते हैं वो हमारे यहाँ ही रुकते हैं, खाना भी हमारे यहाँ ही खाते हैं, प्लेस वेर यू कैन गेट अ डिसेंट मील और अ डिसेंट प्लेस टू स्टे। So, मैंने एक चीज क्रिएट कर दी जो जिसको हम बोलते हैं डायनो टूरिज्म और डायनासोर टूरिज्म, जैसे टेम्पल टूरिज्म होता है, बीच टूरिज्म होता है, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म होता है। तो आलिया, मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि जैसे आपके साथ, मतलब ये जो आपने बताया कि एक बहुत बड़ी जद्दोजहद रही तीन डिपार्टमेंट्स को अपने साथ सहेजना, उनको लाना और उनको एक प्लेटफॉर्म पे खड़े रखकर अपनी बात को कहना,
और बात को पूरी तरह से प्रोसेस करना, वो उस जद्दोजहद में जो मुश्किलें आई, उन मुश्किलों का जिक्र मैं इसलिए चाहती हूँ कि आप यहाँ करें, क्योंकि हमारे यहाँ जितनी इस वक्त लेडीज बैठी हैं, यंग माइंड्स भी बैठे हैं कुछ हमारे साथ, जो कुछ करना चाहते हैं, तो जो जद्दोजहद आती है, तो उस जद्दोजहद, उस संघर्ष से निपटने के लिए जो एक प्लान होता है, जो एक दिमाग में एक सेटअप होता है, वो क्या होता है, ताकि उसको अगर यहाँ पर बहुत से लोग कुछ ना कुछ अपनी फील्ड में कुछ ऐसा करना चाहते होंगे तो वो उस दिशा में आगे बढ़ सके। देखिए, जैसे मैंने पहले बताया, आई केम फ्रॉम अ वेरी ऑर्थोडॉक्स फैमिली, तो इतनी ऑर्थोडॉक्स के मेरी दादी मुझे जीन्स पहनने नहीं देती थी। सो क्योंकि बालासन एक छोटा सा गांव है, बाहर अगर जाएंगे तो लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा कि भाई प्रिंसेस आलिया या जो हमको वहां जिस खिताब से बुलाते हैं, ये जीन्स पहन के निकल गए, तो दादी बड़ी परेशान हो जाती थी। अब मैं डायनासोर साइड अगर एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ तो बट नेचुरली शलवार कमीज में नहीं जाऊंगी, चप्पल में नहीं जाऊंगी, क्योंकि कांटे है, पत्थर है। तो सबसे पहला तो ये मेरी लड़ाई हुई, हाउ टू कन्विंस माय ग्रैंडमदर दैट आई एम डूइंग समथिंग कंस्ट्रक्टिव। एंड इसमें मेरा ज्यादातर साथ देने वाले मेरे लेट वालिद साहब थे, तो वेरी प्राउड ऑफ माय अचीवमेंट्स। और जो भी उनसे मिलने आते थे उनको यही बोलते थे कि तुम अगर साइट पे जा रहे हो अकेले मत जाना, आलिया को लेके जाना, शी इज एन अथॉरिटी। तो ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बात थी कि योर फादर और योर मदर इज देयर एज अ बैकबोन। एंड बहुत से ऐसे इंस्टेंसेस हुए जब मुझे लगा कि अब मैं छोड़ दूंगी, मुझे नहीं करना। एक का किस्सा यही कि आपको यहाँ म्यूजियम क्यों बनाना है, यहाँ कौन आएगा, इट्स बैक ऑफ बियॉन्स, पैसा क्यों बिगाड़े, मैन पावर क्यों बिगाड़े। अब जैसे मुझे फॉसिल्स प्रोटेक्ट करने थे तो मुझे गार्ड्स चाहिए थे, तो अब मैं आई वुडंट वांट टू स्पेंड द मनी फ्रॉम माय पॉकेट्स, आई हैव टू गेट द गवर्नमेंट इन्वॉल्व। तो आपको क्यों गार्ड्स रखने हैं, क्यों, क्योंकि वो तो पत्थर है। डायनासोर्स तो 67 मिलियन ईयर्स पहले मर चुके हैं ना, तो दीज आर जस्ट रॉक्स फॉर एवरीवन, फॉर अ लेमैन। तो क्या आलिया क्यों पत्थरों में सर मार रही हो तुम्हारा, दिस इज व्हाट आई वाज गेटिंग। अब एक बार गई भी थी तो ये बोला गया मुझे कि डायनासोर्स क्या हम आएंगे तो मिलेंगे। तो ये बात है कि नॉलेज जो था वो काफी जीरो था किस बहुत से लोगों में, लेकिन हैरानी की बात ये है कि आजकल का जो बच्चा है अगर 4 साल का है या 6 साल का है, वो ज्यादा नॉलेज रखता है एक अडल्ट से, क्योंकि दे आर सो यूज टू, यू नो, दे आर सो एक्सपोज नाउ। लेकिन उस वक्त की बात है तो यही हुआ कि मैं नहीं करना, यहाँ पैसा नहीं डालना, लेकिन आई थिंक मैं डटी गई, मुझे सब मैंने लगा कि नहीं मुझे ये करना ही है। सो मेरा एक मोटो है, नेवर गिव अप, वेरी गुड, नो मैटर व्हाट, आई हैव हैड लॉट्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स कमिंग माय वे, थैंक यू सो मच, बट रात में सोचती थी कल नहीं जाऊंगी, लेकिन सुबह उठी थी एंड आई वाज बैक टू वर्क। अब अगर मैं पूछूं कि अब जब एक आपने एक इतना अच्छा कुछ डेवलप कर लिया, तो अब आपके पास कितना फुटफॉल हो रहा है, कितने लोग वहां पर आपके पास ईयरली या मंथली विजिट कर लेते हैं, चाहे वो स्कूल्स से हो, चाहे फॉरेनर्स हो, चाहे इंडियंस हो, और उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए आपने किसी तरह की मार्केटिंग पॉलिसी को भी लाई है आप पटल पर, जिसे हम कहते हैं ना, कि आप उनको लोग आ सके, ज्यादा लोग आप तक पहुंच सके। देखिए, सबसे पहला एक हमारे लिए बहुत अच्छी बात ये हुई, छोटा सा गांव है, लोग इग्नोरेंट है, अनएजुकेटेड है, तो उनके लिए हमने बहुत एक अच्छा काम किया कि वी गिव देम एम्प्लॉयमेंट। सो 45 पीपल फ्रॉम दैट विलेज एंड द सराउंडिंग एरिया, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ बालासिनोर, रैयोली गांव, छोटा सा 3,000-3,500 का पॉपुलेशन है, उस गांव के 40 से ज्यादा लोगों को हमने एम्प्लॉय किया एज वॉचमैन, एज ऑपरेटर्स इन द म्यूजियम, एंड 6 लेडीज हु आर वर्किंग इन द म्यूजियम कैंटीन, वुमेन एम्पावरमेंट। मेरा प्रयास ये था कि औरतें आके ऑपरेटर्स भी बने, लेकिन थोड़ा माइंडसेट करना
उनका चेंज करना है, मुझे थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा बिकॉज वो साड़ियां पहनती है घूंघट में है बहुत सी, तो सबसे पहला उनको शलवार कमीज भी नहीं पहनना था बिकॉज वी वांटेड टू गिव देम अ यूनिफॉर्म, सो हम लोगों ने साड़ी उनको यूनिफॉर्म की तरह दी। बट अब म्यूजियम का इनॉग्रेशन 2019 में हुआ, तो जो फुटफॉल है वो तो काफी है। 2019 इटसेल्फ जब इनॉग्रेशन हुआ तो आई थिंक 6 महीने के अंदर 1 लाख से ज्यादा लोग आए, विच इज quite a big number considering ये रूरल एरिया था। और दिवाली का जो फर्स्ट वीक था उसमें तकरीबन 15,000 से ज्यादा 1 वीक के अंदर टूरिस्ट आए, तो इंटरनेशनल और नेशनल टूरिस्ट बहुत जबरदस्त थे जी। एंड आप खुद अगर आप म्यूजियम में जाएंगे तो ये मेरे टूरिस्ट ही बोलते हैं कि आलिया तुमने जंगल में मंगल बना दिया है। तो ये यानी आप इस तरह का म्यूजियम आप जरूर एक शहर में पाएंगे, लेकिन जैसे आप इफ यू आर ऑल आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर ऑन सोशल मीडिया, you can check out the Instagram and the Facebook pages, we have lots of lovely pictures and I'm sure आपको ये tempt करेंगे हमारी तरफ आने के लिए। टैग बताइए, आपका नाम बताइए। dinosaur_balasinghe is the Instagram handle and dinosaur fossil park and museum is the Facebook page. I can definitely send it to you or Aksha and she can forward it in the group. और आप यूथ को भी इसमें ट्रेन कर रही हैं ना, जहां तक मैं समझ पाई तो वी आर ट्रेन्ड अ फ्यू पीपल एज गाइड्स, और बच्चे भी आ रहे हैं आपके पास कुछ इन सब चीजों को समझने के लिए और आपके साथ जुड़ने के लिए, जो मैंने समझा। सो जैसे देखिए डायनासोर का जो स्टडी है उसको हम पेलियोंटोलॉजी कहते हैं, आर्कियोलॉजी इज समथिंग विच इज फॉर मॉन्यूमेंट्स फॉर एंशिएंट बिल्डिंग्स एंड जियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रॉक्स मिनरल्स एंड सॉइल। So paleontology is altogether a different field and it's a very niche subject. हर किसी को इसमें knowledge नहीं है, तो अगर आप as a tourist अगर वहां आते हैं चाहे म्यूजियम में हो या जो excavation site है, तो आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा। और आप अगर fossil को देखेंगे तो आपको तो यही लगेगा ये तो पत्थर है। तो how did you differentiate that? Yeah, so that's where my job comes in. कि मैं ऐसे exclusive tours conduct करती थी पहले site पे, excavation site पे, अब मैं museum में कर रही हूँ because museum इतना बड़ा है, 16 galleries हैं कि 2 से 2.5 घंटे लग जाते देखने में। तो अब मैं excavation site पे इतना नहीं करती because we are going to develop the excavation site now. अभी तो दूसरा एक हमारा ये प्रयास है कि जो हमारी excavation site है हम उसको यूनेस्को का टैग के लिए हम काम कर रहे हैं जी। वी आर वर्किंग ऑन इट एंड आई एम इनफैक्ट कमिटी मेंबर विद द इंटरनेशनल टीम फॉर गेटिंग द जियो हेरिटेज टैग बाय यूनेस्को। तो म्यूजियम में मैं एक्सक्लूसिव टूर्स करती हूँ, तो जैसे आप एज अ टूरिस्ट वहां आते हैं तो यू कैन बुक अ टूर विद मी। हमारे यहाँ स्कूल के बच्चे भी काफी आते हैं और फैमिलीज है, ऑफिस पिकनिक्स है, so they book a tour with me, I show them around and the highlight of my tour at the end is that I show you a real dinosaur egg and real dinosaur bones जो आप आपके हाथ में पकड़ सकते हैं और उसके साथ फोटोज खींच सकते हैं। सो ये मेरे टूर्स की खासियत होती है। आप अपने आप घूमने जाएंगे म्यूजियम में तो आप जरूर फॉसिल्स और अंडे देखेंगे, लेकिन वो सब एक कांच के पीछे है जो मैंने ही डोनेट किए हैं म्यूजियम को। लेकिन मेरे पास जो कलेक्शन है वो बेस्ट ऑफ द लॉट है जो स्मिथसोनियन म्यूजियम वॉशिंगटन ने आइडेंटिफाई किया है। सो आई हैव अ स्टैंप ऑफ अप्रूवल फ्रॉम वन ऑफ द हाईएस्ट अथॉरिटीज इन द वर्ल्ड व्हिच आई हैवंट पार्टेड विद। इसकी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा आपके लिए चैलेंज होगा। आई नो दे आर मोस्ट सिक्योर विद मी रादर देन विद एनीवन एल्स। और जो मेरे पास है उसके मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बताऊंगी। एक मेरे पास डायनासोर का अंडा है, कार्निवो डायनासोर का। वो मुझे गांव की एक औरत से मिला था, उसको कहीं मिला होगा, घर ले आई
और इससे अपना मसाला पीसने लगी। तो आप भी अगर कभी गांव में चले जाएंगे तो यू नो आप मिक्सर ग्राइंडर्स बहुत कम पाएंगे लोगों के घरों में, सिर्फ अट्टे पे मसाला पीसते हैं। सो यू नो दिस इज आज की तारीख में भी वही है। आप मॉडर्न घरों में भी सिलबट्टे का जो मसाला होता है वो ज्यादा टेस्टफुल होता है। बट aren't they perishable? I'll come to that. So जब मुझे ये मिला तो उसे मिर्ची वगैरह लगी हुई थी तो मैंने उसका नाम रख लिया मसाला अंडा। तो ये मसाला अंडा अभी मेरे पास है। देखिए ये तकरीबन 65 टू 67 मिलियन ईयर्स ओल्ड है अंडे और हड्डी जो डायनासोर की है, बिकॉज उस वक्त इनका एक्सटिंक्शन हो गया था। लेकिन एक खासियत बालासोर की ये भी है कि जो हमारे यहाँ जो अंडे पाए गए हैं डायनासोर्स के, दे आर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द वेरी वेल प्रिजर्व्ड एग्स इन द वर्ल्ड। सो वाई या वन ऑफ देम वाई दे आर सो वेल प्रिजर्व्ड इज बिकॉज शायद उस वक्त जो कारण हुए होंगे, वी डोंट नो फॉर श्योर व्हाट दे आर, बट आज की तारीख में जो अंडे हैं उनका प्रिजर्वेशन लेवल बहुत ही अच्छा है। एंड मेरे पास काफी सारे फॉसिल्स और अंडे हैं जो मैंने डोनेट भी किए हैं, कुछ मेरे पास रखे। सो एट द एंड ऑफ द डे ये अंडे और हड्डी पत्थर ही हो चुके हैं। तो हाथ में पकड़ेंगे रखेंगे तो कुछ ज्यादा तो कुछ नुकसान नहीं होगा, हाँ जरूर आप उसको जोर से फेंक देंगे तो टूट जाएगा। एंड ऊपर एक शेल आता है, लाइक अंडे का जो है उस पर एक शेल आता है which is still visible today. So I will show you how to identify. I will show you कि ये पत्थर है, कि ये अंडा है, कि ये हड्डी है। I think आप लोगों को मैंने Zoom session में दिखाया था। जी। आप में से कोई सवाल करना चाहेंगे, मैं माइक आप लोगों तक पहुंचा दूं। मैं सबीना का उनका परवीन बाबू का कनेक्शन। हाँ मैं हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका अपना काम इतना ज्यादा है कि वो पीछे छूट गया। तो प्रवीण पॉपी से मतलब मेरी तो बहुत फेवरेट रही है वो, मैंने उनकी कोई भी फिल्म ऐसी नहीं रही है जो मैंने ना देखी हो, और खास करके अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जोड़ी बहुत हिट रही। तो उनके बारे में और उनसे आपका जो कनेक्शन है उसके बारे में हम लोग सब जानना चाहेंगे। मेरी मम्मी का घर का नाम भी परवीन है, एंड मम्मी की ये पुप्पी हुआ करती थी। तो मम्मी एक्चुअली एज में बड़ी थी उनसे, तो परवीन भाभी के जो वालिद साहब और अम्मा थे वो हमेशा यही कहते थे कि हमारे यहाँ अगर परवीन भाभी वॉज एक्चुअली बॉर्न वेरी लेट टुगेदर, तो वो कहते थे कि जब भी मेरे औलाद होगी और वो अगर एक लड़की होगी तो मैं उसका नाम परवीन रखूंगा आफ्टर माई मदर and Parveen Babi's father and my that is how they were first cousins. And in fact when Parveen Babi was studying in St. Xavier's Ahmedabad, my Bade Mamu and my mother were her local guardians, and she was very fond of my mother, my father. Contrary to what everyone knows and says about her that wo son ki thi ye thi wo thi, I met her, she was not at all like that. The most loving person. Theek hai, everyone has their moods. You can't please the world, as I say. And she had some bad episodes in her life, but she was the most loving. And one of the talented one. Very talented. Unke jo, I mean, maine to jab dekha to unke itne acche hal nahi the. Lekin jaise amma wagera bolte hai ki the most beautiful hair my mother had ever seen, or the most translucent skin that anyone had ever. She didn't need makeup to enhance her looks. पढ़ने का उन्हें बहुत शौक था, मैंने जहाँ तक उनकी बात किया। She rebelled and she studied. So बहुत से बोलते हैं कि शायद तुम्हारी inspiration रही होगी। And एक बहुत funny episode भी था, मेरे cousin brother गए थे मेरे अब्बा के साथ परवीन भाभी के घर, जैसे young boy teenager थे, तो परवीन भाभी ने उनको kiss कर दिया, हफ्ते तक उन्होंने मुंह नहीं धोया। तो यानी फैमिली में भी उनका एक और था कि भाई यू नो परवीन भाभी ने प्यार किया मैं इसको धोऊंगा नहीं। सो द फैमिली एंड आई थिंक द होल वर्ल्ड रियली लव्ड हर, शी वाज आई थिंक वन ऑफ द वुमेन टू बी फीचर्ड ऑन द टाइम मैगजीन फ्रंट पेज। एंड जी परवीन भाभी एंड जीना तमाम आई थिंक द लीडिंग लेडीज, एंड इनफैक्ट जब उनका इंतकाल हो गया तो अम्मा को ही बॉडी दिया गया था। My mother was the one who claimed the body and gave her the decent burial that she deserved.
That was very sad day for all of us. Yes, like you know how it was, everyone was fighting for her body. Yes. But the police was very helpful and they gave it to my mother. मम्मा ने जो काम करना था करके फिर चले आए थे. मम्मा ने बोला कि इसको जो करना है करो. अब मुझे ये बताइए कि यहाँ हमारी बेगम्स ऑफ भोपाल की बहुत सी मेंबर्स भी हैं, बहुत से गेस्ट भी हैं. आपके यहाँ आने के लिए आपकी तरफ से हमारी इस पूरी कम्युनिटी के लिए क्या इनिशिएटिव हो सकता है? ये मैं संविदा सबसे किसी से भी पूछा नहीं है, बट मैंने बोला कि आपकी ताम ने तो हमें बहुत बुलाया. इसीलिए हम लोग जो लोग भी आना चाहें तो उसके लिए बुकिंग्स का क्या रहता है, किस तरह से आप आते हैं, किस तरह से आपको क्या करना होता है, उसकी थोड़ी सी. मेरे ब्रदर है वो हमारा भी पैलेस हेरिटेज हॉटल है, वो चलाते हैं. और मैं ज्यादातर डायनासोर म्यूजियम पे ही रहती हूँ बिकॉज आई हैव टूर्स व्हिच आर लाइक थ्री टाइम्स अ डे. तो ज्यादातर फ्राइडे सैटरडे संडे. तो मेरा नंबर आप शायद सबके पास है आई थिंक रक्षा. तो आप मुझे अगर आपको रहना है तो हफ्ते 10 दिन बिकॉज पीक सीजन है जैसे दिवाली न्यू ईयर क्रिसमस, तो आप पहले से बुक करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा वरना रूम नहीं मिलेगा. तो वी हैव ओनली 12 rooms. 6 are in the main palace and 6 cottages in the garden. And if you are staying in Ahmedabad or Baroda, so you can even do a day trip in case you don't get a room. I'm giving you all the options. And mere saath tour bhi karna hai to aap pre-book kar lena, because I nowadays I travel quite a bit. Because apart from conducting tours in the museum, I also go to schools and colleges across India. And I conduct lectures on wildlife tourism. Prehistoric wildlife tourism, as we call it. So I've been to IIT Madras, Bombay Museum, and all that. So I've been to even Indore, Emerald Heights School. So वहाँ पे 1500 students को I had coached on this subject. So 1 week is what I would require at the most if you want to visit Balasimar. 1 week's notice. See if we take collective rooms. All of them. Jee. All the vegans come there. We give you a discount. That's the right question. We give you a discount. I will do a fantastic session for you on the purpose of life. That is free. I tell my brother that we give them a good discount. एक और जो मैं आप सबके साथ एक बात शेयर करना चाहूंगी, जूनागढ़ आपका क्योंकि रहा है, आपकी फैमिली ओन करती रही है, तो जूनागढ़ के जो नवाब थे अफ्रीका में जब ये बीमारी फैली टीबी से पहले वाली प्लेग, तो जूनागढ़ के नवाब वॉज द ओनली वन जिन्होंने वहां से कुछ लोगों को रेस्क्यू किया. उनका एक जहाज वहां से आ रहा था तो उन्होंने अफ्रीकन्स को उसमें बिठा लिया. वो जो अफ्रीकन्स उस जहाज में बैठे वो जूनागढ़ उतरे और फिर वो उन नवाब साहब के इतने वफादार रहे और नवाब साहब ने उनका इतना ख्याल रखा कि उन्होंने एक पूरा गांव जो था वो उनके नाम कर दिया था. और हम लोग उनको अब एफ्रो इंडिया तो ये सिद्धी ट्राइब है जिसके ऊपर मैंने एक पूरी डॉक्यूमेंट्री की है वहां जाकर और मैं उन लोगों से मिली हूँ. मतलब इतना यूट्यूब पे अवेलेबल है वो, आप उसे देखेंगे तो वो बिल्कुल निगुर है और they look like डांस ऑल्सो वो बोल रहे गुजराती. सो आई टेल यू दैट हमारे यहाँ जो टूरिस्ट आते हैं तो 8 साल से हम महाराजा एक्सप्रेस, आई डोंट नो आपने नाम सुना होगा कि नहीं, एक सुपर लग्जरी ट्रेन है विच इज द वर्ल्ड्स थर्ड मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रेन इन द वर्ल्ड, महाराजा एक्सप्रेस, नॉट द ओरिएंट और एनीथिंग विच इज वाज इन राजस्थान, ये नहीं, ये अलग है. तो वो बालासिनोर आती थी. 8 साल तक वी प्लेड होस्ट टू द गेस्ट ऑन द महाराजा एक्सप्रेस एंड उसमें सब ब्यूरोक्रेट्स, एम्बेसडर्स, द टॉप नॉच पीपल बिकॉज इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव. तो हम लोगों ने क्या किया, व्हेन वी वर सर्विंग देम अ नवाबी गाला लंच एट बालासिनोर, बिकॉज गुजरात में सिर्फ बालासिनोर में ये ट्रेन रुकती थी, राजस्थान में ऑल द टॉप नॉच डेस्टिनेशंस एंड गुजरात में सिर्फ बालासिनोर. तो हम लोग 40 से ज्यादा डिशेस उनको सर्व करते थे नवाबी गाला लंच में. और जो एंटरटेनमेंट था, एक था गुजराती गरबा, बट नेचुरली वी आर फ्रॉम गुजरात सो वी विल लाइक टू शो दैट.
एंड सेकेंड जो हमारा ग्रैंड फिनाले था वो सीधी बादशाह का धमाल डांस होता था. इट्स कॉल्ड द धमाल डांस. आप मानेंगे नहीं अगर वो शुरू हो जाते हैं डांस करना, आप आपकी कुर्सी पे नहीं बैठेंगे, आप नहीं बैठ सकते, आप शुरू हो जाएंगे उनके साथ. मेरा भी मन होता था लेकिन मुझे चुपचाप प्रिंसेस बन के बैठ रहना पड़ता था. बट आई डिड डांस इन विद देम ड्यूरिंग माय ब्रदर्स एंगेजमेंट. शौक पूरा कर दिया था. लेकिन हाँ, लगते भी बिल्कुल अफ्रीकन्स है, उनके भाग भी बिल्कुल ऐसे है, उनके जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है वो भी बिल्कुल अफ्रीकन है. मैंने भी उन पे रिसर्च किया ऑन द इंस्ट्रूमेंट्स एंड आई हेल्प्ड यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कली डू रिसर्च ऑन इट बिकॉज दे वर डूइंग इट ऑन द म्यूजिक ऑफ द सिद्धी बादशाह. सो ये हमारा इनसे ये एक ताल्लुक है. और जो उन लोगों का जो मैंने मतलब जो मैंने महसूस किया वो इतने ज्यादा आज भी जूनागढ़ नवाब के आज भी मतलब जैसे उनके अकीदत में है, उनको बहुत श्रद्धा से. एक बहुत ही दिलचस्प वाक्य सिद्धी ट्राइब का, मैं आप तो जानती होंगी बट चूंकि मैं वहां गई अंदर जंगलों में तो मैंने वहां देखा कि सिद्धी ट्राइब जिनको लेकर आए तो उनके जो बुजुर्ग थे उनकी वहां मजार है. दैट्स नॉट इन जूनागढ़, दैट्स समवेयर नियर भरूच. भरूच में इट्स कॉल्ड बाबा गौर. और रात में वहां पर एक शेर आता है जो पूरी अपनी पूछ से उनकी मजार को साफ करता है. yeah. और आप डेली उसके पैरों के निशान आप वहां पर देख सकते हैं. yeah. और वो आता है, साफ करता है और गायब हो जाते हैं. मतलब किसी को नहीं पता वो कब आता है. तो हम लोगों ने, हमारी टीम ने बकायदा कैमरा लगा के हम लोग रात भर बैठे कि हमें दिखेगा वो. पर उन जो वहां बैठे थे उन्होंने कहा कि नहीं दिखेगा. और मतलब सेकेंड समझ लीजिए शायद 10-15 या 20 सेकेंड या 1-2 मिनट की झपकी कैमरामैन को आई है और उसके बाद वो वहां से सफाई करके बस उसको उसकी पूछ जाती हुई दिखाई. और इनफैक्ट नवाब ऑफ जूनागढ़ वाज आल्सो इंस्ट्रूमेंटल इन रेस्क्यूइंग द लायंस. यस. तो दो चीजें उन्होंने बचाई कि जो आज अगर अफ्रीका के बाहर आप एक लायन का पॉपुलेशन देख सकते हैं तो वो गुजरात में है और कहीं नहीं है. और वो इतने लाइक स्ट्रॉन्ग रहे अपने विल पावर में और अपने डिसीजन में कि उन्होंने वाइसरॉय जनरल वाइसरॉय को भी अलाउ नहीं किया था हंट करने के लिए. अपने फेलो रूलर्स को भी मना कर दिया क्योंकि द लैंड पॉपुलेशन वॉज डिक्लाइनिंग. ही सेड आई विल नॉट अलाउ एनीवन टू सेट फुट इन माय टेरिटरी. जो करना है कर लो, जंग करनी है कर लो. यानी आप सोचिए वाइसरॉय तक को उन्होंने मना कर दिया. सो ही द नवाब ऑफ जूनागढ़ खुद बहावत खान जी एंड रसूल खान जी आर नोन टू बी द वंस हु सेव्ड द लायंस इन इंडिया. सो टुडे आज अगर अपन देख सकते हैं the lion population, it is all because of the Nawab Sabchuma. और गीर में भी जो आप देखते हैं ना ये वही एक extension है गीर forest stream का. गीर का ही है गीर के मंडल जूनागढ़. और गीर में ही इनको जो आप लोगों ने empower किया है ये पूरा सिद्धी ट्राइब जो है ये वहाँ empower. सिद्धी काफी फैल गए हैं. और सिद्धी ही उस फॉरेस्ट में जाते हैं और इनकी जो लड़कियां है वो बिल्कुल बड़े मजे से मोटरसाइकिल चलाकर रेस्क्यू करके लाती है. और हमने कहा आपको डर नहीं लगता तो कहती नहीं एक आध दो बार उसने हमला किया हम पर हमें नहीं फर्क पड़ा हम फिर उसको उठा लाए. तो ये उस इलाके से आती है जहाँ शेर भी डरते हैं. ये जो प्रोग्राम है हमारा भी आर डेडिकेटिंग इंटरनेशनल कम्युनिटी. तो मैं चाहूंगी आपको बहुत ही दमदार मैसेज. एक तो है कि आपकी फील्ड बहुत ही डिफरेंट है तो आज की औरत के लिए. आज की औरत के लिए. और एक चीज और आई ऑफन सी योर मदर इज सो फॉन्ड ऑफ मेकिंग डिफरेंट डिशेस. कुछ हिडन रेसिपीज जो है वो भी मतलब नाम ही बता दें हमें. जी माय मदर यू कैन कॉल द काउंसिल ऑफ फूड. तो जैसे बताया शी केम फ्रॉम अ स्लाइटली मॉडर्न फैमिली पालनपुर. लेकिन हमारे अब्बा को खाने का बहुत शौक था. सो ही सेड के मैं तो तुम्हारे हाथ का ही खाना खाऊंगा. एंड माय मदर हैड नेवर सेट फुट इन द किचन. सो क्योंकि पालनपुर के जो नवाब थे वो जब समर में फ्रांस जाते थे तो पूरा रेटिन्यू जाता था. अम्मा छोटी हुआ करती थी तो दे सेड दे यूज्ड टू हैव ऑल द कुक्स एंड एवरीवन टुगेदर. तो जो पालनपुर पैलेस के कुक्स थे दे वर ट्रेन्ड इन फ्रांस एंड ऑल. इट इज मल्टी क्यूजीन.
तो शुरुआत के दिनों में जैसे अम्मा बताती है केक भी जला दिया, रोटी भी ऑल शेप्स आई थिंक वर्ल्ड के, तो हमारे बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड थे वो भी बोलते थे कि आज तुम्हारी अम्मा वर्ल्ड फेमस कुक है, हमें पूछो हमने क्या क्या नहीं खाया उनके हाथ का जला हुआ अंडर कुक हाफ कुक है वो तो. लेकिन बिकॉज माई फादर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ कुकिंग, माई मदर शी लर्न हाउ टू कुक एंड टूडे शी इज नोन द वर्ल्ड ओवर. काफी सेलिब्रिटी शेफ्स के साथ उनके टेलीविजन शोज भी हुए हैं, जैसे रणदीप राव, गौतम महर्षि हमारे यहाँ हफ्ता रुके थे, 3 एपिसोड्स किए. इंटरनेशनल सेलिब्रिटी शेफ्स भी आए हैं. रणवीर राठ तो अम्मा के हाथ चुम चुम के गए. सीक्रेट मसाला भी हमारी अम्मा को देके गए, ये सोच के कि हमारी अम्मा भी उसको कुछ देगी. तो काफी ऐसी डिशेज है बाला सिनोर में. तो जैसे दो चीजें फेमस है हम हमेशा बोलते हैं, तो डायनासोर खाना तो लोग काफी पसंद करते हैं. इनफैक्ट हम लोग 8-9-10 को अहमदाबाद में फूड फेस्टिवल कर रहे हैं एट द रिवर फ्रंट. It's in association with the Ministry of Food. Okay. And is that my March? March minute. Yeah, March. Yeah, 8, 9, 10. So like, बहुत सी एक एक बहुत popular dish है हमारे यहाँ की called लहसुन या कीमा. लहसुन हरा लहसुन जो होता है ज्यादातर winters में आता है. तो ये again हमारा जूनागढ़ से connection है. अम्मा के जो नाना नानी थे वो बांटवा के थे, which was a जागीर of जूनागढ़. तो ये जो कीमा था ब्रेकफास्ट में खाया जाता था उस वक्त, जो ब्रेकफास्ट होते थे वो काफी शानदार होते थे, आज की तरह नहीं है, वेरी फ्रोगल. तो लहसुन हरा लहसुन जैसे ज्यादातर विंटर्स में ही आता था तो उसपे डाला जाता था. लेकिन जो खास एक तरीका कच्चा अंडा उसपे डाल के फिर उसके ऊपर गरम गरम घी डालते थे, सो इट वुड गेट कुक्ड ऑन इट्स ओन एंड इट यूज्ड टू बी हैड विद मूंग दाल की खिचड़ी एंड गाजर का अचार. दिस वॉज ब्रेकफास्ट. बट इस सब चीजों के लिए आपको पहले से बताना पड़ेगा क्योंकि ऐसा ब्रेकफास्ट आजकल कोई नहीं खाता. तो हम लोगों ने अपक्रस्ट मैगजीन की जो बाजार में कॉन्ट्रैक्टर है इनको खिलाया था ये पाए एंड ऑल दैट आल्सो. सो यस, द फूड डेफिनेटली इज अनदर हाईलाइट ऑफ द प्लेस आई पैलेस. और कोई सवाल किसी का? यस. The fossils are of which kind of dinosaur? Yeah, that's an interesting one. There's so many things that I would want to talk about, but I believe time is always very short. So, देखिए आप किसी भी बच्चे को अगर पूछेंगे कि आपका favorite dinosaur कौन सा है, तो वो एक ही जवाब देते हैं, T-Rex. Because movies में T-Rex काफी देखा है उन्होंने. We have seen Jurassic Park, Jurassic World. अनफॉर्चुनेटली इंडिया में जो भी डायनासोर थे किसी को पता नहीं. आई एम श्योर नन ऑफ यू आल्सो नो. आपको शायद ये भी पता नहीं होगा कि आपके मध्य प्रदेश में भी फॉसिल्स मिले हैं और अंडे मिले हैं. इनफैक्ट वर्ल्ड का फर्स्ट फॉसिल मिला था इंग्लैंड में इन द ईयर 1824 और एशिया का फर्स्ट फॉसिल, एशियाज फर्स्ट फॉसिल वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम जबलपुर मध्य प्रदेश in the year 1828, just 4 years later. And उस बालासनोर के जो फॉसिल्स थे वो 1980s में डिस्कवर हुए थे. इनका भी एक अगर थोड़ा टाइम है तो आई विल लाइक टू टेल यू. आई एम नॉट गिवन बट आई जस्ट कम टू दैट. सो 1980s में दो जियोलॉजिस्ट आए थे बालासनोर टू सर्च फॉर मिनरल डिपॉजिट्स and map the area that they generally do from time to time. तो ये लोग एक सीमेंट क्वारी में गए, हमारे बालासन से तकरीबन 5-7 किलोमीटर दूर है. वहां पे उसने गार्डन के पाथवे में ऐसे गोल गोल पत्थर देखे, डेकोरेटिव पीसेस की तरह लाइंड अप थे. तो एक पत्थर उठा के वो अहमदाबाद ले गए, वहां PRL में फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी में. वहां पे एक हमारे बहुत प्रोमिनेंट पेलियंथोलॉजिस्ट है जिनका नाम है डॉक्टर अशोक सामी. उन्होंने जब ये गोल पत्थर देखा तो बोला, अरे तुम ये कहां से लेके आए, क्यों, ये तो डायनासोर का अंडा है. तो आप सोचिए डायनासोर के अंडों को गार्डन पाथवे में डेकोरेटिव पीसेस की तरह लाइन अप किया हुआ था. उसके बाद काफी सारे गांव वाले हु यूज्ड टू वर्क एज लेबरर्स फॉर द जियोलॉजिस्ट वो मेरे लेट अब्बा को लाके देते थे गोल गोल पत्थर के, नवाब साहब ये आपके तोपों के गोले हैं, कैनन बॉल्स फ्रॉम योर कैनन्स.
माय फादर सेड वी बिकम अ डेमोक्रेसी आई डोंट हैव अ चैलेंज एनी मोर तो ये कूड़ा कबाड़ मेरे कंफर्म में नहीं चाहिए ले जाओ आई विश माय फादर हैड केप्ट दैट बिकॉज़ टुडे आई वुड हैव हैड थाउजेंड्स ऑफ एग्स. उसके बाद ये दो मैपर्स ने एक रिपोर्ट सबमिट किया टू द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. उन्होंने 1983 में टीम भेजी और वो टीम ने तकरीबन 400 से ज्यादा हड्डियां डिस्कवर की फ्रॉम वन सिंगल एरिया विच इज रायोली. और इसका रिसर्च हुआ जयपुर में बाय बोथ इंडियन एज वेल एज इंटरनेशनल पेलियंटोलॉजिस्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन एंड शिकागो. तो 2007 में इन्होंने एक नया डायनासोर का नाम बताया जो वर्ल्ड में कहीं नहीं पाया गया था, सिर्फ इंडिया में मिला था. उसके कुछ पार्ट्स मध्य प्रदेश में मिले थे और कुछ पार्ट्स गुजरात में. उसका नाम रखा गया राजा सोरस नर्मा डेंसिस. राजा क्योंकि उसके सर पे एक हॉर्न था जो एक मुकुट की तरह लगता था, एक क्राउन की तरह लगता था, इस वजह से राजा. एंड नर्मा डेंसिस बिकॉज उसके ज्यादातर जो हड्डिये हैं वो नर्मदा घाटी के किनारे पाई गई थी. तो ये 30 फीट का लंबा डायनासोर था, तकरीबन 4000 किलो का वजन था. इट वॉज अ कार्निवो जो इससे दुगना साइज के जो डायनासोर होते थे इनको खाता था. तो वी कॉल इट द इंडियन कजन ऑफ द टीरेक्स. ठीक है. उसके बाद एक और रिसर्च टीम आई विच वॉज टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी and GSI and ISI which is Indian Statistical Institute and इन्होंने एक और डेटा का वन ओपिट वहां से उनको फॉसिल्स जो मिले तो वो एक डायनासोरस के नहीं थे, एक और छोटे वाले डायनासोर के थे, स्लाइटली स्मॉलर. और वो फॉसिल्स सिर्फ बालासोर में पाए गए थे, रायोली में, कहीं और नहीं. तो उसका नाम रखा गया रायोली सोरस गुजरातेंसिस. आई नो द नेम्स आर बिग टंग ट्विस्टर्स लेकिन रायोली गांव जो कोई जानता नहीं था आज उसके नाम से एक डायनासोर का नाम रखा गया है. वर्ल्ड फेम एंड वेरी सरप्राइजिंगली वी इंडियंस डोंट नो बट दीस डायनासोर्स आर फेमस द वर्ल्ड ओवर. उसके अलावा भी काफी सारे फॉसिल्स है, आई मीन डायनासोर्स है फ्रॉम इंडिया, मोर देन 30. अभी लेटेस्ट इन द लिस्ट इज कॉल्ड थारोसोरस इंडिकस, नेम्ड आफ्टर द थार डेजर्ट इन जैसलमेर. इट वॉज अ हर्बीवोर डायनासोर. We have one dinosaur named after Rabindranath Tagore called Barakosaurus Tagore. Barakpa means bada paav. So, jab laborer ko bada sa pair ka haddi mila, wo jor jor se chillaya bada paav, bada paav, bada paav. Na to bada paav of Mumbai. Barakpa means bada paav. And Tagore, because it was found in the centenary year, 100 years of Rabindranath Tagore, they dedicated this dinosaur for him. एक डायनासोर है कोटासोरस यमनापेलेंसिस. कोटा नॉट राजस्थान कोटा बट इट्स अ फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स कॉल्ड कोटा फॉर्मेशन विच इज फाउंड इन प्रेजेंट डे तेलंगाना. एंड यमनापल्ली इज अ स्मॉल लिटिल विलेज इन प्रेजेंट डे तेलंगाना. उस विलेज को डेडिकेट किया यमनापेलेंसिस. तो आप सोचिए एक टिपिकल साउथ इंडियन नेम फॉर अ डायनासोर. और ये सब इंडियन डायनासोर है विद इंडियन नेम्स लेकिन दे आर नोन द वर्ल्ड ओवर. तो एक जबलपुर के नाम से भी नहीं है, जुबलपुरिया. सो इस तरह के इंडियन डायनासोर्स है विद इंडियन नेम्स. तो मेरे टूर्स में, मेरे टॉक्स में आई रियली लाइक टू हाईलाइट इंडियन डायनासोर्स बिकॉज वी नो अ लॉट अबाउट द वेस्टर्न डायनासोर्स. सो व्हाई लेट द इंडियन डायनासोर्स यू नो नॉट बिकम फेमस. हमारे उस पर भी अभी एक फिल्म बननी चाहिए. माय स्टूडेंट्स टू टेल मी दैट प्लीज गेट स्टीवन स्पीलबर्ग. वो मैंने कहा बट अभी आप यू नो एपल टीवी पे देयर इज अ सीरीज ऑन डायनासोर्स द प्रीहिस्टोरिक प्लैनेट और समथिंग. उसमें दे हैव फीचर्ड राजासोरस व्हिच मेक्स मी हैप्पी. इवन आई थिंक इमेजिका में भी दे हैव अ राइड कॉल्ड द राजासोरस राइड. तो अभी थोड़ा फेमस हो रहा है धीरे धीरे. आई थिंक धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे. हमारी सबकी बेस्ट विशेस. आने वाले वक्त में डॉक्टर डायनासोर जो है वो पूरी दुनिया पर ऐसे छाए और हिंदुस्तान का नाम ऐसा रोशन करे और फिर कहीं ना कहीं बेगम्स खुश हो कि हम भी इस रास्ते के साथी कभी ना कभी रहे हैं.
Thank you, Alia. Thank you, Vic. Thank you so much. And just one thing that once again, I would like to thank Darshan, Vinoji, Yasmin Appa. I think these are the names I know, Samina Appa now. And all the Vegans of Bhopal, once again, thank you so much for having me. And just ek yehi bolna chahti hu ki don't let the women tag stop you. I mean, आप लोगों के काम में बहुत देखती हूँ ऑनलाइन दर्शन की स्पोर्टिंग आप एंड वेगन्स में भी मैं फॉलो करती हूँ सो आई रियली अप्रिशिएट द कमेंडेबल वर्क दैट यू ऑल डू यू इनवाइटेड मी फॉर द परी बाजार अनफॉर्चुनेटली आई वाज टू फार टू कम फॉर इट बट माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विथ यू एंड मे यू स्केल द हाईएस्ट हाइट्स इज ऑल आई कैन से मे यू ऑल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ लेकिन एक वादा जरूर कि अगली बार परी बाजार में जरूर आइए मैं चाहती हूँ उस समय ना हमारे साथ बहुत से लोग जुड़ते हैं और भोपाल के ऑल ओवर इंडिया से लोग जुड़ते हैं तो एक सेशन हम चाहेंगे वहां आपके साथ हो ताकि इस ये जो टॉपिक है ना बड़ा अननोन सा टॉपिक है लोग नहीं जानते और लोग ज्यादा से ज्यादा जानते जी हाँ जो आप सी इस बार तो आई वाजंट टू श्योर ना वरना मैं डायनासोर के अंडे और फॉसिल जरूर लेके आती बट वही हुआ कि लास्ट मिनट हुआ तो आई कुडंट कैरी वरना मैं जरूर से एक अंडा एक हड्डी तो जरूर ले आती मैं सेशंस में जाती हूँ तो एक्चुअली क्या होता है मुझे उसका वजन ज्यादा होता है मुझे मेरे कपड़े निकाल डालने पड़ते हैं अंडा जो कार्नी वर का है वो जो मसाला अंडा है वो इतना नहीं है लेकिन अगर मैं हर्बी वॉल का लाऊंगी तो 8 किलो है तो अगर गाड़ी से आऊंगी तो मसला नहीं है जी बट फ्लाइट से ऐसे तकलीफ नहीं होती बट सिर्फ वेट का इश्यू रहता है तो फिर अगली बार का वादा रहा इंशाल्लाह